नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू द ऑनलाइन प्लेटफॉर्म ऑफ अन अकेडमी लिंकिंग लॉज। देखिए, आज जो हमारा टॉपिक है वो बहुत ही सदाबहार टॉपिक है जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, और यहाँ पे जो है बहुत सारे ऐसे नियम है, ऐसे रूल्स है जो कि हमको सीखने बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वो है पार्ट आर्टिकल्स का, जो कि एक छोटा सा पार्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव पार्ट है हमारी इंग्लिश राइटिंग के लिए, हमारी इंग्लिश स्पोकन के लिए, चाहे इंग्लिश ग्रामर की बात हो या फिर किसी भी फील्ड के अंदर जहाँ पे भी इंग्लिश की ज़रूरत होती है या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहता है। तो आइए बिना टाइम वेस्ट किए जो है क्लास को स्टार्ट करते हैं। अच्छा, आर्टिकल्स तीन प्रकार के होते हैं, ए, एन और द। ठीक है भाई, इनके बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, है ना। अच्छा, नाम आप सब जानते ही हैं, और यहाँ पे लिंकिंग लॉज इंग्लिश सारे ही स्टूडेंट्स उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। लिंकिंग लॉज इंग्लिश, जो कि अभी आपको पता ही होगा 20% ऑफ चल रहा है, तो ये एक सही टाइम है सब्सक्रिप्शन लेने का। आइए, तो यहाँ पे आर्टिकल्स एक्चुअली क्या होते हैं, दो तरह के होते हैं। एक होता है इनडेफिनेट, एक होता है डेफिनेट। जैसे मैं अगर आपसे बोलूँ कि मैं एक लड़का हूँ, क्या बोल रहा हूँ, मैं एक लड़का हूँ, तो क्या बोलूँगा, आई एम अ बॉय। लेकिन अगर मैं बोलूँ मैं लड़का हूँ, तो भी हम क्या करेंगे यहाँ पे, आई एम अ बॉय, बिल्कुल सही है। हाँ जी, आज मैं जीरो से हीरो बिल्कुल नहीं बनाऊँगा, ठीक है, डायरेक्ट सुपर हीरो बनना है तो बोलो, राइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इनडेफिनेट आर्टिकल्स में जैसे कभी भी क्या है, ए और एन लग जाता है, लेकिन सिर्फ ये ध्यान रखिएगा, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। काउंटेबल का मतलब यहां पे क्या होता है, एकदम जिसको हम काउंट कर सकते हैं। सिंगुलर का मतलब क्या होता है, एक ही, ठीक है। जैसे आई हैव अ पेन, मेरे पास एक पेन है तो आई हैव अ पेन, ठीक है। आई हैव अ बिग कार, यानी कि मेरे पास एक लंबी सी कार है। अगर यहाँ पे बोलूँ आई हैव एन एलिफेंट, तो एलिफेंट की बात करें तो एन लगा दिया यहाँ पे। इसी तरह से डेफिनेट, जब किसी चीज़ का फिक्स होता है। देखिए, हम तो क्या है, सबसे पहले थर्ड क्लास से स्टार्ट होंगे, फिर एट्थ क्लास में जाएंगे, फिर कंपटीशन में डायरेक्ट जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो आर्टिकल द की अगर हम बात करें तो ये डेफिनेट है। अब क्या है, हमने बचपन से ये सुना है आर्टिकल ए एन के बारे में, हमेशा से बचपन से यही सुना है कि ए, ई, आई, ओ और यू, ये सब क्या होते हैं, वॉवल्स होते हैं। बच बिल्कुल एकदम सही है। हाँ, हम क्या है, हमने ये सुना है कि वॉवल से पहले आर्टिकल एन लगाते हैं, ठीक है। तो ओके, एलिफेंट लगाया यहाँ पे, तो एलिफेंट के साथ में हमने क्या लगाया, एन लगाया, कोई दिक्कत नहीं, एकदम परफेक्ट है रूल तो हमारा, है ना। फिर यहाँ पे मैंने क्या लिखा, एच ओ यू आर। अब ये जो एच है ये तो वॉवल नहीं है, लेकिन फिर भी हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। और हमने पढ़ा क्या है कि ये जो है एक्सेप्शन है, क्या है, एक्सेप्शन, एच साइलेंट होता है इसीलिए क्या है, ये एक्सेप्शन है आर। अब ये कैसे हुआ भाई, सही बात है ना, सोचने की बात है कि ये एक्सेप्शन क्यों, ये एक्सेप्शन क्यों नहीं, है ना। हाँ, साउंड, तो वही मैं आपको बता रहा था, इंग्लिश के आर्टिकल्स का, इंग्लिश के आर्टिकल्स का और इंग्लिश के वॉवल्स का आपस में कोई लेना देना है ही नहीं, ठीक है, हिंदी से देखना पड़ता है। तो हिंदी के अंदर जो स्वर होते हैं, हिंदी के अंदर जो स्वर होते हैं, अ से ले के ओ तक के जो स्वर होते हैं, उन सभी के साथ में, उन सभी की वॉइस के साथ में, उन सभी के किसकी ध्वनि यानी कि वॉइस के साथ में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और बाकी सबके साथ क्या लगाते हैं, अ लगाते हैं। इसका कंसेप्ट समझ लेते हैं, ठीक है। देखो, पेन, प से साउंड स्टार्ट हो रहा है, प से, तो ऑब्वियसली प तो इसमें आ नहीं रहा स्वर में, अ आ ई ई उ ओ औ ए आई, यही है। हाँ, तो पेन के साथ में क्या आएगा, अ पेन आ जाएगा। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं आइसक्रीम, ठीक है, तो आइसक्रीम में क्या आ रहा है, आइसक्रीम, आ का साउंड आ रहा है ना, तो इसीलिए अपने पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे एन आ जाएगा। अब ये जो चीज़ है ना, कभी कभी क्या है कि एक बार में समझ नहीं आती, तो इस वीडियो को कम से कम दो बार देखना, स्टार्टिंग का है ना। हाँ,
स्टार्टिंग के सिर्फ 2 मिनट देखने हैं, स्टॉप स्टॉप नहीं हुआ है, वीडियो एकदम परफेक्ट चल रहा है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। हाँ राइट, उसके बाद देखो और एग्जांपल देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है अम्ब्रेला और इधर लिखा हुआ है यूनिफॉर्म। तो अम्ब्रेला के अंदर तो क्या आता है, यहाँ पे अ आता है ना, अ आता है, बिल्कुल सही है, आ नहीं अ आता है। हाँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन अम्ब्रेला, कोई दिक्कत नहीं है, वापस रिपीट कर देते, कहाँ दिक्कत है। हाँ अपन तो 3 बार रिपीट कर देंगे, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन ये क्या है, यह यूनिफॉर्म, अब यह तो स्वर में नहीं आता है ना, तो इसलिए क्या आ जाएगा, अ यूनिफॉर्म। ठीक है, वापस से समझेंगे, क्या करेंगे हम, वापस से समझेंगे एक बार, कोई जल्दबाजी नहीं है। हाँ राइट, देखो जब हम स्वर की बात करते हैं, स्वर का मतलब क्या होता है, हाँ अ आ ई ई उ ए और आई, ये जो स्वर है इनके साउंड के साथ में क्या है, इनके साउंड के साथ में या ध्वनि के साथ में हम क्या लगाते हैं, एन लगाते हैं, और बाकी सब के साथ क्या लगाते हैं, ए लगाते हैं। ठीक है, देख लो एक तरफ हॉर्स है और एक तरफ ऑनेस्ट मैन है, तो एच ओ आर एस ई हॉर्स, ह का साउंड आ रहा है, ह का है ना, ह ह फॉर हिमाचल, ह का साउंड आ रहा है, तो इसके साथ तो ए ही लगेगा, स्वर तो है नहीं, है ना। फिर यहां पे क्या है, ऑनेस्ट है ना, हॉनेस्ट नहीं बोलते, क्या बोलते हैं, ऐसे नहीं बोलते ही इज हॉनेस्ट पर्सन, ना ना, ही इज अ, हाँ यहां नहीं, गलत हो गया, तो क्या हो जाएगा, ओ, तो ही इज एन ऑनेस्ट पर्सन, इस तरह से यहां ध्यान रखना, बिल्कुल कौस्तुभ, अभी आपका जो है डाउट अभी क्लियर करेंगे, ठीक है, इसी अगली स्लाइड के अंदर। राइट, तो मैं आपको टोटल टाइम तो क्या दूं, फटाफट से थोड़ा सा जो है बता दीजिएगा, जो जो मैं आपको स्टार लगाऊं वो बता देना, इस इसके आंसर बता दो, ठीक है, ये यूनियन 1 रुपी नोट और MLA का बताना है आपको, फटाफट से बता दीजिए, तब तक मैं आगे बता देता हूं, ठीक है, जल्दी से आप ये कर दीजिए। पर्सन की बात करें तो प से साउंड है, अ पर्सन आ रहा है, कोई दिक्कत ही नहीं है। एनिमल की बात करें तो एनिमल, ठीक है, एनिमल, ए का साउंड आ रहा है, एन एनिमल हो गया, बिल्कुल सही है। ऑनेस्ट पर्सन अभी पढ़ा था, एन ऑनेस्ट पर्सन होता है, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत आराम से चलना है, कोई जल्दबाजी नहीं है। अ यूनियन होता है, एन यूनियन तो हो ही नहीं सकता, क्या होगा यहाँ पे, अ यूनियन ही होता है। सुपर मॉडल, तो अ सुपर मॉडल, अ यूनियन, अर 1 रुपी नोट, वेरी गुड, बिल्कुल परफेक्ट। हाँ इतनी जल्दी समझ में आ गया, ये मैंने सोचा नहीं था, वैसे सीरियसली बता रहा हूँ। हाँ अ यूनिफॉर्म, क्योंकि यह है, बस दिक्कत सिर्फ इसी के अंदर है, मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे यहाँ पे यूनिवर्सिटी लिखी हुई है, हमारे दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ बैठानी है कि हमको इस यू पे ध्यान नहीं देना है, हमको हिंदी वाले स्वर पे ध्यान देना है, जो कि यूनिवर्सिटी होता है, यह से, यह से, और यह के साथ क्या आता है, हमेशा ए आता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अम्ब्रेला की बात करें तो एन अम्ब्रेला, अब यहाँ पे तो देखो अ का ही साउंड आ रहा है ना, दोनों जगह यू है, लेकिन वहाँ पे क्या है, अम्ब्रेला का साउंड आ रहा है। हाँ अब देखो यहाँ पे जो दिक्कत है, लास्ट में लूंगा, छोड़ो, हाँ MLA तो क्या हो जाएगा, हाँ NMLA, इसी तरह से NIS ऑफिसर होता है, क्योंकि ये आई को ऐसे लिखते हैं, फ्लावर को अ फ्लावर, हाँ कुछ लोग इसको फ्लावर बोलते हैं, कुछ लोग इसको फ्लावर बोलते हैं, दोनों सही है, कोई दिक्कत नहीं है। वंस अपॉन अ टाइम, एकदम अ टाइम आ गया। अब इसकी बात कर लेते हैं, दिख तो ओ रहा है ना, वन, व से साउंड आ रहा है ना, व का मतलब क्या होता है, व तो ऑप्शन, हाँ व तो स्वर में आता ही नहीं है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, अ 1 रुपी कॉइन। सर आई एम न्यू इन इंग्लिश, क्या मुझे आपका प्लस कोर्स केवल लाइव लेना चाहिए या रिकॉर्डेड, ऐसा कुछ नहीं है, आराम से जैसा आपको ठीक लगे। हाँ पूरा कवर करा रखा है, इंग्लिश में तो मेरी तरफ से गिफ्ट है आपको, समझ लो, हाँ बेफिक्र रहो आप। चलो तो यहाँ पे क्या है, अ 1 रुपी नोट, एकदम परफेक्ट है। आर्टिकल, तो ये था हमारा ए और एन। एक बार
एक बार छोटा सा थम्सअप कर दो कि ये चीज़ समझ आ गई है, ताकि हम आर्टिकल द पे बढ़ सकें। हाँ, फिर इसके बाद लोड नहीं लेना है, ठीक है, जल्दी से पढ़ो, एक बार थम्सअप कर दो ताकि हम क्या आगे बढ़ सके आर्टिकल द की तरफ। थम्सअप मिल चुका है, बहुत बढ़िया है, ऑसम, राइट। इंक्वायरी और इंक्वायरी में डिफरेंस, ये फिर से आप पूछ रहे हो, बताते हैं अभी। हाँ, यही दिक्कत करता है, अभी दिक्कत सॉल्व कर देते हैं आपकी, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। हाँ, 1 रुपी नोट वाला क्लियर, वेरी गुड। हाँ, तो अब यहाँ पे द की अगर हम बात करें, तो जो सबसे पहला काम है इस द का, वो है यूनिवर्सल थिंग। सर तो कहाँ से कंटिन्यू करूँ क्लास, आप एक काम करो, परसों से, हाँ परसों से आप क्या है कंटिन्यू करो, राइट। हाँ, प्लस के अंदर जो 9:15 वाली क्लास है ना, अभी आज और कल लास्ट वो है, टेस्ट है, उसके बाद में प्रीपोजिशन स्टार्ट है, तो उस साइन से आप कर सकते हैं। द की अगर हम बात करें, तो सबसे पहला जो है यूनिवर्सल थिंग, ठीक है, एक्चुअली जब भी हम पूरे ब्रह्मांड में एक ही चीज़ होती है उसकी अगर हम बात करते हैं, तो उसके साथ में क्या लगाते हैं, आर्टिकल द लगाते हैं। देख लो भाई, सबसे पहले अगर मैं बात करूं, द सन, द मून, द अर्थ, खतरनाक, देखो यहां पे द सन बोला मैंने। हाँ अच्छा, आज क्लास नहीं होगी, तो आज संडे की वजह से क्लास नहीं रखी होगी, अच्छा कोई बात नहीं। हाँ, द सन, द मून, द अर्थ, ये कैसे हो गया भाई, है ना, सन का मतलब तो द लगा रखा है, मून का मतलब द रखा रखा है, और अर्थ के अंदर दी लगा रखा है, ये कैसे हो सकता है। तो ध्यान रखिएगा कि जब वॉवल से पहले द आए तो उसको दी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, दी, और जब आर्टिकल किसी कॉन्सोनेंट से पहले आता है तो बोलते हैं द। सर प्लीज कंप्लीट ग्रामर करवा देना, कंप्लीट ग्रामर 2 बार हो चुकी है, ठीक है, हाँ स्पेशल पे भी हो चुकी है, यूट्यूब पे भी हो चुकी है, प्लस पे भी हो चुकी है, ठीक है, बेफिक्र रहिए। हाँ जुडिशरी, बिल्कुल एकदम परफेक्ट है, और ये जो इंग्लिश है ना, ये एक्चुअली कॉमन होता है, और मैं पूरे इंडिया के जो जितने भी इंग्लिश ग्रामर आएगी सभी का एकदम परफेक्ट तरीके से कराऊंगा, बेफिक्र रहे। अगर आप जैसे जुडिशरी के नहीं भी हैं और अगर आप पढ़ रहे हैं तो चलेगा, मैं तो कहता हूँ जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको भी पढ़ाओ आप, बहुत फ़ायदा है। हाँ, पेरेंट्स से पहले क्या होगा, पेरेंट्स से पहले कुछ नहीं होगा, अवर पेरेंट्स होगा। अब आ जाते हैं यूनिवर्सल थिंग की बात करी, आर्टिकल द खत्म हुआ, दूसरा आप डाउट बाद में लूंगा लास्ट में, ठीक है। हाँ, फिर क्या है, कोई स्पेसिफिक थिंग हो, अब क्या है ये स्पेसिफिक थिंग को हम ऐसे कैसे छोड़ते हैं, ठीक है, इसको मैं क्या है वापस बताऊंगा आपको, ठीक है। हाँ, अगला देखते हैं, बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है देख लेते हैं भाई, आर्टिकल द हमेशा सुपरलेटिव डिग्री के साथ में होता है। सर आज 9:15 वाली क्लास होगी या नहीं प्लस पर, अगर शेड्यूल नहीं है तो नहीं होगी, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, अच्छा हाँ आज नहीं है क्लास है ना, उससे पहले आर्टिकल द आता है, जैसे माई फादर is dash best person of dash world। चलो भाई यहां पे देख लेते हैं फटाफट से, my father की बात हो रही है अगर, तो is dash best person, तो यहां पे best क्या है, superlative, good better best, long longer longest, है ना। हाँ, unacademy डाउनलोड कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, तो क्या हो जाएगा, my father is the best, तो सुपरलेटिव डिग्री थी तो उसके पहले आर्टिकल द आ गया, ओके एक चीज खत्म हुई। फिर क्या है, बेस्ट पर्सन ऑफ डैश वर्ल्ड, अब वर्ल्ड तो एक ही है तो उसके साथ भी क्या लगेगा, तो ये पहला वाला क्लियर हो गया, ये दूसरा वाला भी क्लियर हो गया इस तरह से, है ना। हाँ राइट, तो ये इस तरह से हमको क्या करना है, ध्यान रखना है। अब बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, ये सब जो चीजें होती है ये हमारे क्या है बचपन में पढ़ी थी हमने, है ना, अब हमको क्या है 1 स्टेप अहेड करना पड़ेगा। हाँ, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, जैसे अगर मैं बोलूं कि ये वाला जो पेन है, ठीक है, ये अच्छा है, इट इज़ अ गुड पेन,
लेकिन ये वाला पेन इस पेन से अच्छा है तो बेटर, लेकिन ये वाला जो पेन है सबसे अच्छा है तो क्या हो जाएगा, बेस्ट। इस तरह से सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सर्वश्रेष्ठ डिग्री मतलब। हाँ, अब हमको क्या है, एक स्टेप और अहेड सोचना पड़ेगा, तो उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी रूल्स की। तो आज की क्लास में मैं आपके लिए रूल्स तो लाया ही हूँ, रूल्स के साथ साथ MCQ भी लेके आया हूँ। तो इसका मतलब ये है कि हमने पढ़ ली थ्योरी, थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या होगा, आप अपना आप ही अपना रिजल्ट देख लो। मैं आपको ये तो कह ही नहीं रहा कि आपका जो है एग्ज़ाम में जादू दिखेगा, नो, अभी हाथों हाथ ही जादू दिखेगा, ठीक है। और हमको ये भी पता चल जाएगा, ये चीज़ समझ नहीं आई तो वापस समझा देंगे, कहाँ दिक्कत है। चलो भाई, सबसे पहले तो यहाँ पे मैं बोलता हूँ, प्लीज़ ब्रिंग डैश कप ऑफ कॉफ़ी, प्लीज़ जो है एक मेरे लिए कॉफ़ी का कप लेके आ जाओ, ठीक है भाई। हाँ, फिर उसी क्या, पुट डैश कप ऑन डैश टेबल। अब यहाँ पे हमको ए एंड द भरना है, टेक योर टाइम, आराम से टाइम लो, तीनों का आंसर दो। हाँ सर, प्रतीक सुपरलेटिव डिग्री के पहले, हाँ ठीक है भाई, इसका तो ए ही आएगा, बिल्कुल सही है। हाँ अगला तो बताओ, हाँ ये तो ए हो गया, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। हाँ ऐसे ही तो करना है, सिंपल सिंपल सा है, जब टफ आएगा तब मैं आपको बता दूंगा। प्लीज ब्रिंग अ कप ऑफ कॉफी, हाँ पुट द कप ऑन द टेबल। जैसे ही हमने, अब ध्यान से सुनिएगा, जैसे ही हमने कहा कि एक कॉफी का कप लेके आओ, तो लेके आ गया वो। अब मैंने कहा उसी कप को रखेगा ना, वो उसी कप को तो रखेगा, तो स्पेसिफिक हो गया, क्या हो गया, ये स्पेसिफिक हो गया, इसीलिए क्या लगेगा, आर्टिकल द लगेगा। अब अगर मैं एक कप को, है ना, ये वैसे तो बोतल है लेकिन आपको मन की आंखों से इसको कप समझना है, अगर इस कप को कहीं यहाँ पे रख दिया किसी टेबल पे, तो कोई पर्टिकुलर ही टेबल होगी ना, इसीलिए हमको क्या है, द। ये क्या है, कॉमन सेंस होता है, ये कभी कभी ये चीज़ क्या हो जाती है, कॉमन सेंस, ठीक है। अब एक और देता हूँ आपको क्वेश्चन, वंस अपॉन डैश टाइम, सारे आंसर साथ में ही कर लेना, मैं एक एक का चेक करूंगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। वंस अपॉन डैश टाइम देयर वॉज डैश मैन, डैश मैन वॉज वेरी सिक, ही हैज अ हॉर्स, द हॉर्स वॉज वेरी केयरिंग। पंचतंत्र की कहानियों से लेके आया हूँ, क्या लेके आया हूँ, पंचतंत्र की कहानियों से लाया हूँ भाई, बताइए क्या होगा इसका आंसर, सारे साथ में ही बता देते तो ठीक रहता है कि नहीं। हाँ, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है भाई, वंस अपॉन अ टाइम कर दिया, ओके। हाँ, लोट पोट कर गुड मॉर्निंग आपको भी नीरज, बिल्कुल। वंस अपॉन अ टाइम देयर वॉज अ मैन, ओके भाई आ गया। सर आप एक इंग्लिश की अनअकैडमी पर डेली रखिए, डेली है मेरी अनअकैडमी पर, डेली क्लास चलती है 9:15 पे, ठीक है। हाँ, द मैन, अब इस आदमी को हम जानते हैं क्योंकि ये वही मैन है, है ना, अब हम इस आदमी को जानते हैं, ये हमको स्पेसिफिक हो गया है, तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लगाएंगे, आर्टिकल द। द मैन वॉज वेरी सिक, ही हैज़ अ हॉर्स, अब इस हॉर्स को भी हम जानते हैं तो क्या लगा देंगे, द हॉर्स। हाँ, 95% लोगों का सही है, ठीक है ना, स्पेशल क्लास अभी इंग्लिश की नहीं हो पाएगी, स्पेशल क्लास क्या है कि वो 60 मिनट्स ही मिलता है ना आजकल, तो इसीलिए स्पेसिफिक स्पेशल क्लास नहीं ले पा रहा, ठीक है। चलिए भाई आगे, अच्छा शानदार बैच मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, 15 तारीख से, आज है 11, अच्छा आज कोइंसिडेंस भी शानदार हुआ, 11 तारीख 11 बजे मैं आपके सामने, आर्टिकल है ना, राइट। तो यहाँ पे 15 सितंबर से एक शानदार MP ADPO का मच अवेटेड बैच स्टार्ट होने वाला है, जिसका नाम क्या है, रैपिड रिवीजन बैच। और मैंने हमेशा से आपको कहा है कि जब भी रैपिड कहीं पे लिखा हुआ देखें आप, उसको हमको ज्वाइन कर लेना चाहिए। तो जो प्लस के स्टूडेंट है वो तो सब ज्वाइन कर ही सकते हैं, और जिसने नहीं लिया सब्सक्रिप्शन उसका ये आज का परफेक्ट टाइम है,
20% ऑफ है, ठीक है। अब इसके दो फायदे हैं, यूपी पीसीएचए में भी हो सकता है, राइट। चलिए यहां से हम अब वन स्टेप अहेड होने वाले हैं। वो सब था स्कूल तक का, ठीक है। हाँ, एडीपीओ का मतलब सरकारी वकील एक तरह से कह सकते हैं, एमपीसीजे में भी फायदा करेगा, बहुत बढ़िया बात है ये, वेरी गुड। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो रूल्स हैं वो एक बहुत ही ज़रूरी है। सर, पंजाब जुडिशरी में ओनली टू लैंग्वेजेस है, इंग्लिश मैं आपको देख लूँगा आपकी, बिल्कुल भारती बेफिक्र रहिए, पंजाबी की आप तैयारी करें। आइकॉनिक नहीं होता, वो तो सेम ही होते हैं। सर मेरी इंग्लिश बहुत ख़राब है, बहुत बढ़िया है मैं तो कह रहा हूँ। हाँ, सिर्फ अगर इंग्लिश के लिए सब्सक्रिप्शन लेना है तो लेना ही मत, जीरो, ठीक है। हाँ, आराम से इधर यूट्यूब और स्पेशल में देख लेना, ठीक है। लॉ सब्जेक्ट्स के लेना है तो सब्सक्रिप्शन लेना है, ये भी ध्यान रखिएगा, है ना। हाँ, अपने फालतू पैसे खर्च नहीं करने, इतने अभी नहीं है अपने पास। आ जाते हैं रूल नंबर फर्स्ट की बात करते हैं। रूल नंबर फर्स्ट क्या बोलता है कि अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज बीइंग मेंशनड फॉर द फर्स्ट टाइम। सबसे पहला रूल जो कि हमको अब देखो, अभी तक स्कूलिंग का हो गया, बात खत्म हुई, अब हम कंपटीशन में एंटर कर रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा। वो तो था बेसिक, अब है एडवांस। लोग सोचते हैं आर्टिकल्स क्या है, सिंपल से होते हैं, बट ये आर्टिकल्स जो है ना आपके दो मार्क्स डुबो देता है। हाँ बिल्कुल, ये ध्यान रखिएगा, गजब बेइज्जती है, ऐसा कहाँ बेइज्जती करा। हाँ राइट, चलो। अ सिंगल काउंटेबल नाउन इज बीइंग मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार अगर कोई चीज मेंशन करते हैं तो, जैसे आई हैव डैश लॉन्ग कार, डैश कार इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है भाई, ओके। कलर की स्पेलिंग दो होती है, सी ओ एल ओ आर भी होती है और सी ओ एल ओ यू आर भी होती है, दोनों एक्सेप्टेबल है, एक यूके की एक यूएस की, बट हमारे इंडिया में दोनों ही एक्सेप्टेबल है। वैसे भी हमारे इंडिया में इंग्लिश तो बोली ही नहीं जाती है, हमारे इंडिया में बोलते हैं इंग्लिश। हाँ, दूसरे क्या, मैं भी बोलता हूँ, हाँ दूसरों का क्या बोले, आई हैव डैश लॉन्ग कार, तो क्या हो जाएगा, आई हैव अ लॉन्ग कार, बात खत्म। हाँ ठीक है भाई, हाँ फिर आगे देख लेते हैं, डैश कार इज ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, द कार इज ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि कहने का मतलब ये है कि अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन विच इज मैंशन फॉर द फर्स्ट टाइम में हमेशा हम क्या लगाएंगे, या तो ए लगाएंगे या फिर एन लगाएंगे, और जब सेकेंड बार वही चीज आ रही है तो आर्टिकल द लगाना है, बस ये सिंपल सा था। चलिए भाई रूल नंबर टू पे आ जाते हैं। हाँ, आर्टिकल ए और एन इज यूज्ड बिफोर कलेक्टिव नाउन। अच्छा, ये कलेक्टिव नाउन क्या होता है, सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, ठीक है। कलेक्शन ऑफ थिंग्स, हाँ, जैसे अ ग्रुप ऑफ बॉयज, है ना, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, ध्यान रखिएगा जो भी गर्ल्स है, हाँ लड़कियों के ग्रुप को बेवी कहते हैं, ठीक है, लड़कियों के ग्रुप को क्या कहते हैं, बेवी, तो यहाँ पे क्या आएगा, अ ग्रुप ऑफ बॉयज, अ बेवी ऑफ गर्ल्स, क्योंकि यहाँ पे क्या है, कलेक्टिव नाउन है, ठीक है भाई। एन आर्मी, बोल तो दिया कोई बात नहीं, लेकिन आर्मी ऑफ आंट्स, लेकिन आर्मी ऑफ सोल्जर्स भी तो होता है, बिल्कुल होता है, हाँ, तो क्या आ जाएगा, एन, और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, एन। सर क्या ये पीसीएचजे के लिए है, नो, पीसीएचजे के लिए ये नहीं है ना, क्योंकि वो क्या है कि उसमें आपका ऐसे राइटिंग आएगा, ट्रांसलेशन आएगा, है ना, लेकिन ये इंग्लिश ग्रामर का पार्ट है इसीलिए। हाँ, अगर किसी के ऐसे के सेंटेंस बनाने में प्रॉब्लम होती है ना, अभी जैसे मैंने कल की तारीख में ऐसे दिया था, परसों थर्सडे को दिया था, तो वो लिख के भेजिए मुझको, है ना, इसीलिए। चलो यहाँ पे क्या है, हाँ, समूह, एक तरह से समूहवाचक कह सकते हैं इसको, वेरी गुड क्रिश, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन, कुछ कलेक्टिव नाउन जैसे मैंने दिया है, अ बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, अ बेवी ऑफ लेडीज या फिर गर्ल्स हो गया, अ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होता है, एक डायरेक्टर का बोर्ड हो जाता है, अ बॉडी ऑफ मैन, बहुत सारे मैन होते हैं उनकी बॉडी होती है, अ बंच ऑफ क्रॉक्स, अ बंच, बंच का मतलब होता है गुच्छा, अ बंच ऑफ ग्रेप्स भी हो सकता है, अ बंच ऑफ कीज भी हो सकता है,
कारवा ऑफ जिप्सीज, अ कोयर ऑफ सिंगर्स, इसको चोयर नहीं बोलते, कोयर बोलते हैं, अ क्लास ऑफ स्टूडेंट्स, अ ग्रुप ऑफ डांसर्स, अ होर्ड ऑफ सेवेजेस, पागल लोगों का, ठीक है, हाँ, अ लाइन ऑफ किंग्स, अ होस्ट ऑफ एंजल्स, खूब सारी एंजल्स जो है साथ में हो तो क्या हो जाता है यहाँ पे, हाँ होस्ट होता है, अ मॉब ऑफ रियोटर्स, हाँ, फिर यहाँ पे क्या है, अ पैक ऑफ थीव्स, अ पार्टी ऑफ फ्रेंड्स, या फिर अ पेट्रोल ऑफ पुलिसमैन, बिल्कुल। फिर रूल नंबर 3, ए और एन इज यूज फॉर सर्टेन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, बेकार सा रूल है ये, हाँ इस पे ज्यादा लोड नहीं लेना, जैसे मैं यहां पे कहा, हाँ राइट राइट राइट, अ मर्डर ऑफ क्रोज होता है, वेरी गुड, लिख देता हूं मैं यहां पे सभी के लिए, अ मर्डर ऑफ क्रोज, जो खूब सारे जो कौवे होते हैं उनका ग्रुप को मर्डर कहा जाता है, और एक और बता देता हूं, फिश के जो झुंड होता है उसको क्या कहते हैं, स्कूल कहा जाता है, अ स्कूल ऑफ फिश, वेरी गुड पूर्णिमा, वेरी गुड। रूल नंबर 3 बहुत ही बेकार सा है, बिल्कुल, हाँ लॉ लिंक, हाँ लिंकिंग लॉज में भी मिल जाएगी, और जो भी आपकी जैसे फॉर एग्जांपल आपका एमपी का एग्ज़ाम है या फिर आपके आरजेएस का एग्ज़ाम है तो उसकी मैं ई बुक बना के दूंगा आपको, आपको किताब भी लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, हाँ एमपी के लिए भी ऐसे टॉपिक दे दिया है, एमपी के लिए दे दिया है टॉपिक, ठीक है। जैसे व्हाट अ ब्यूटीफुल कार, तो व्हाट अ, बस ये आर्टिकल ए आएगा, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के साथ में क्या आएगा, ए आएगा, व्हाट अ क्यूट डॉल, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, व्हाट अ क्यूट डॉल, बस डेट्स इट, ये एग्जाम में ना तो आएगा, रूल है तो कराना तो पड़ेगा ही, डेट्स इट, हाँ ये भी एग्जाम के अंदर नहीं आता। अब बोलेंगे आप कि सर ये जब एग्जाम में ही नहीं आ रहा तो करा क्यों रो, लेकिन अब क्या करें, फ्रेज है ये, हाँ एमसीक्यू के लिए भी बुक मैं ही दूंगा, ठीक है, अपने को पुराने घिसे पीटे एमसीक्यू करने नहीं है, ठीक है, मॉडर्न इंग्लिश है, नया ज़माना है, 2022 है, हाँ जैसे एग्ज़ाम्स के अंदर चलेगा पैटर्न, वो पैटर्न में मैं आपको अपडेटेड लेके आऊँगा, तो वो आप बेफिक्र रहिएगा। ए और सिर्फ आपको करना क्या है, एक ही तो चीज़ करनी है, टेलीग्राम ग्रुप मेरा ज्वाइन करना है और उस पर अपडेट जो आए वो देखना है, वीकेंड पे, हर वीकेंड पे क्लास लेता ही हूँ संडे की, सभी जानते हैं, हाँ जी बिल्कुल, हाँ हर्षिता बिल्कुल, इंग्लिश ग्रामर पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम से एक मंथ पहले, जिस भी एग्जाम होगा उसके एक मंथ पहले दे दूंगा मैं। लिंकिंग साइट पे जो है पुरानी पड़ी है, टेलीग्राम लिंक, लिंकिंग लॉज इंग्लिश, ठीक है, ये लीजिए लिंकिंग लॉज इंग्लिश, आप तो सिर्फ क्या है लॉ पे फोकस करें, ये इंग्लिश की टेंशन तो मेरे पे दे दें, ठीक है। ए और एन इज यूज फॉर सर्टेन फ्रेजेस, कुछ सर्टेन फ्रेजेस के लिए आता है, तो इन अ हरी हो सकता है, टेल अ लाई हो सकता है, फील अ शेम, या फिर मेक अ नॉइज, जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसमें लोड नहीं देना है, ठीक है, हाँ यहाँ पे लोड देना है, इस जगह पे लोड आपको देना पड़ेगा। ए और एन इज यूज बिफोर द वर्ड्स डिनोटिंग नंबर, हाँ जैसे अ हंड्रेड, ठीक है, अ हंड्रेड रुपी नोट, क्या लिख देते हैं भाई अपन, अ हंड्रेड रुपी नोट, अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, है ना, अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन, राइट, फिर क्या हो जाएगा, अ डजन ऑफ बनानास, ठीक है, हाँ एक डजन मतलब 12, अच्छा एक और इसके साथ ही बता देता हूँ मैं, यार निखिल यार आप तो शानदार हो, मतलब कि मैं बोलने वाला था उससे पहले ही आपने कर दिया, शानदार, ठीक है, ये होता है। चलो एक डजन के अंदर, वन डजन के अंदर टोटल कितने यूनिट होते हैं भाई, 12 यूनिट होते हैं, लेकिन जब यहाँ पे मैं बात करूँ बेकर्स डजन, ये एक इंग्लिश का फ्रेज है, क्या है, बेकर्स डजन, तो इसका मतलब होता है 13, ठीक है, ये याद रखना। सर मेरे आरजेएस में लॉ 72% बने थे बट इंग्लिश ओल है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं रुद्र, अब आप आ गए हो यहाँ पे, तो आप 15 में से 15 लाएंगे इंग्लिश के अंदर, ठीक है, ध्यान रखिएगा, और लॉ में भी 72 की जगह क्या है 82 पे फोकस करना है, तब मज़ा आएगा। हाँ सर ये आप पहले क्वेश्चन लिए थे, राइट, ये हाँ बेकर्स डजन लिया था मैंने बिल्कुल पहले, इसीलिए। अगला रूल बहुत ज़रूरी,
सर एमपीसीजे का बैच खरीदना है, कैसे खरीदूँ? एमपीसीजे का नहीं है अभी, एमपीएडीपीओ का बैच है, वो आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ रिवर्स, यानी कि देखो रिवर्स के नाम के आगे आर्टिकल द आएगा, डॉट। रेंजेस ऑफ माउंटेन्स, यानी कि माउंटेन रेंज के साथ में आर्टिकल द आएगा, नोट। गल्फ्स, गल्फ कंट्री होती है ना, जैसे यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स। अच्छा आपको पता होगा अफगानिस्तान का भी नाम चेंज हो गया है परसों, ठीक है। गल्फ्स, सीज, बड़े बड़े जो सीज है, जैसे फॉर एग्जांपल मेडिटेरियन सी है ना। ओशियंस, द पैसिफिक ओशियन। इसी तरह से ग्रुप्स, ग्रुप्स का मतलब क्या होता है? अलग अलग ग्रुप्स हैं। हाँ, ग्रुप्स का मतलब एक तरह से ये भी कह सकते हैं द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। हाँ, गल्फ कंट्री का मतलब एक्चुअली वो होता है जहाँ से अपने को तेल और कुएं होते हैं, ठीक है। हाँ, आइलैंड्स, जैसे द अंडमान एंड निकोबार, द लक्षद्वीप आइलैंड्स। शिप्स, सबसे बड़ी एक ही नाम याद है सबको, द टाइटैनिक, बिल्कुल सही है। हाँ, तो द गंगा रिवर एक्चुअली हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पे? द गैंजेस रिवर, ठीक है। अफगानिस्तान का हो गया यूनाइटेड अफगानिस्तान, UAI कर दिया है कुछ, राइट। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, द टाइटैनिक, द शिवालिक रेंज ऑफ माउंटेन्स। डायग्राम तो बनानी ही पड़ती है, राइट। जी डेली मेरी 11 बजे क्लास होती है, बट इंग्लिश की सिर्फ संडे को होती है, ठीक है। हाँ, द इस्लामिक एमिरेट्स ऑफ अफगानिस्तान, IEA। ठीक है, ये पूरी क्या है? हिमालयाज है। अपने को क्या है समझना है, ये क्या है? हिमालयाज है। और हिमालयाज की जो सबसे ऊंची चोटी है वो क्या है भाई? यहां पे माउंट एवरेस्ट है। क्या है भाई? माउंट एवरेस्ट, जो कि सबको पता है। और हिमालयाज का मतलब यहां पे क्या होता है? जो माउंटेन चेन है, खूब सारे पहाड़ होते हैं वो हिमालयाज। और जब एक ही पहाड़ पीक की बात करते हैं तो माउंट एवरेस्ट। अब यहां पे ध्यान रखिएगा, हाँ अब बहुत ही जरूरी है, ध्यान रखिएगा, जब माउंटेन चेन की बात करते हैं तो आर्टिकल क्या आता है? द आता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और जब यहां पे माउंट एवरेस्ट की बात आती है तो कोई भी तरह का आर्टिकल नहीं आता है, यही ध्यान रखना है, ठीक है। तो जब भी कोई पीक की बात होगी, किसकी बात होगी भाई? पीक की, यानी कि चोटी, पिनेकल, जेनिथ, ठीक है। हाँ, टॉप, टॉप मतलब यही होता है, ठीक है। ये सब का जब बात होगी तो इसके साथ में कभी भी आर्टिकल द का लगाना ही नहीं है। सर आप इंग्लिश की दो दिन सेटेड ना समझिए बात को, हाँ बिल्कुल, हाँ, क्योंकि वो रेंज नहीं है, पीक है। एक अगर पहाड़ की चोटी है तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पे? बिल्कुल, यहाँ पे लगाएंगे हम माउंट एवरेस्ट के साथ में कुछ भी नहीं। और जब पूरा जो है यहाँ पे माउंटेन रेंज होगी तो द लगाएंगे। हाँ सर, पीक छोड़ के और कोई एग्जांपल? हाँ, आई एम परफेक्ट, लिंक द लॉ, क्या बात है, शानदार नाम लिखा है आपने तो, वेरी गुड। हमारे लिंकिंग लॉज से लिंक द लॉ, वाओ। चलो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, एंडिस, और यहाँ पे फिर ले लेते हैं माउंट एटना। एंडिस जो है यहाँ पे, सर आपकी ये ड्राइंग अच्छी बनी, थैंक यू सो मच, बिल्कुल थैंक यू सो मच। एंडिस जो है यहाँ पे क्या है? माउंटेन रेंज है, तो उसके साथ में तो आर्टिकल द आएगा, ठीक है। और जब यहाँ पे माउंट एटना है तो इसके साथ में कोई भी तरह का आर्टिकल नहीं आएगा, ये आपको बहुत ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है ये वाला रूल, एग्जाम के अंदर आता है, ठीक है, राइट। अगला, या तो आर्टिकल द लगाना है या फिर इसको क्रॉस करना है, नो आर्टिकल। तो जब यहाँ पे मैं रिवर की बात करता हूँ तो उसके साथ आर्टिकल द आ सकता है। जब मैं पैसिफिक ओशियन की बात करता हूँ तो ओशियन के साथ तो नाम आता ही, आर्टिकल द आता है। अगर मैं यूएई की बात करता हूँ, बहुत ध्यान से सुनिएगा ये चीज़, जब मैं यूएई की बात करता हूँ तो हम लगाएंगे द, क्योंकि ये गल्फ है। लेकिन दुबई के साथ में, दुबई कोई कंट्री नहीं है, वो सिटी है। माउंट एवरेस्ट यूनिवर्सल नहीं है, नो 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 नो, गलत है।
हाँ अपन ने वो समझ लिया है, लेकिन ऐसा होगा नहीं। हाँ हिमालयास के साथ में द आएगा, माउंट एवरेस्ट के साथ में नहीं आएगा। ब्रह्मपुत्र की बात करें तो क्या आएगा, द आएगा, क्योंकि हाँ यहाँ पे क्या है, द है। अच्छा अब एक सिर्फ एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगा, एक तरफ है इंडिया, बताओ इसके साथ आएगा या नहीं आएगा, फटाफट से बताओ। ठीक है, कभी नहीं आएगा, कभी भी इंडिया के साथ में नहीं आएगा। ठीक है, अब एक और क्वेश्चन, एक तरफ मैंने लिखा है अमेरिका, एक तरफ मैंने लिखा है न्यूयॉर्क, और एक तरफ मैंने यहाँ पे लिखा है, बहुत ध्यान से देखिएगा, हाँ, यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, यूएसए। बिल्कुल कौस्तव अभी आपका समझ में आ जाएगा, देयर इज अ रिवर इन माई विलेज, वो तो क्या है, मैंने द और अ का बताया, हाँ सिर्फ द और नो आर्टिकल। अब यहाँ पे देखिए, बिल्कुल आयुष्मान, कहाँ द नहीं आएगा, वो इसी से क्लियर होगा। ठीक है, अब देखो बहुत ध्यान से, जैसे ही यहाँ पे अमेरिका देखा तो किसी कंट्री का नाम है तो आगे कुछ भी नहीं आएगा, न्यूयॉर्क सिटी का नाम है कुछ भी नहीं आएगा, लेकिन यूएसए ग्रुप ऑफ स्टेट्स है, इसका मतलब क्या होता है, द। ठीक है, अब दूसरी चीज, STATE, ये वर्ड बहुत परेशान करता है। हाँ सर मुझे MP की जी के प्रिपरेशन करनी है, आप टेलीग्राम पे मैसेज कर दीजिएगा, मैं हेल्प कर दूंगा आपकी, क्योंकि वो यूनाइटेड स्टेट्स है तब ही द है। वेरी गुड वेरी गुड सहारास शुभम, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, ये एकदम आपने पर्टिकुलर जो है बता दिया, स्टेट का मतलब बहुत परेशान करता है। सर आपकी प्लस क्लास कब से शुरू होगी, 9:15 पे, 9:15 पे आप देख सकते हैं। चलो नहीं आएगा द स्टेट्स के नाम के साथ, बिल्कुल। अब देखो यहाँ पे, एक स्टेट का मतलब होता है लैंड, स्टेट का असली में जो मतलब होता है ना वो क्या होता है, लैंड होता है, इसके बहुत सारे मतलब है। एक स्टेट का मतलब अगर मैं यहाँ पे बात करूँ राज्य, ठीक है, राज्य का मतलब क्या होता है, स्टेट ही होता है इन हमारे भारत के अंदर। एक स्टेट का मतलब कंट्री भी होता है, यूएसए की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो उसमें स्टेट्स कौन सी, अलग अलग कंट्रीज है। यूएसएसआर की बात करूं तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ सोवरिन रशिया, बिल्कुल सही है। हाँ एक स्टेट का मतलब होता है अवस्था, मेंटल स्टेट होता है ना भाई, हाँ इसका मेंटल स्टेट ठीक नहीं है, हो सकता है, बिल्कुल। अच्छा मुझे बताओ फटाफट से, गंगा कौन से स्टेट में है ना, गंगा कौन से स्टेट में, बताइए फटाफट से। हाँ देखो लिंक कर दिया यहाँ पे, राज्य की बात करें तो आर्टिकल 12 हो गया, हाँ नहीं आएगा, बिल्कुल ठीक है। हाँ तो अभी देखो सब कह रहे हैं, अभिषेक ने देखो जैसे कहा कि गंगा उत्तराखंड में, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि गंगा जो है लिक्विड स्टेट में है, किस में है भाई, लिक्विड, तो वो क्या होता है, हाँ लिक्विड स्टेट, सॉलिड स्टेट, गैसियस स्टेट, तीन स्टेट में होता है। ठीक है ध्यान रखिएगा, वेरी गुड अभिषेक, वापस आपने अपना क्लियर कर दिया आंसर। सर UPPCS जे मेंस के लिए GS कैसे प्रिपेयर करें, मेरे साथ साथ चलते रहो, अपना आप होता रहेगा। हाँ इसलिए लैंड का सब्जेक्ट स्टेट गवर्नमेंट का होता है, वेरी गुड, तो इस तरह से स्टेट के भी खूब सारे मतलब होते हैं। हाँ जी आगे आ जाते हैं, रूल नंबर 7 की अगर हम बात करें तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर बुक्स ऑफ रिलीजन, रिलीजियस बुक्स के साथ में हम आर्टिकल द लगाते हैं चाहे कुछ भी हो जाए। ठीक है, सबसे बड़ी किताब का नाम अगर मैं बोलूं तो वो क्या है, ऋग्वेद, द ऋग्वेद हो जाते हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, थैंक यू सो मच। हाँ फिर यहाँ पे बात करें, अगर हम यहाँ पे ऋग्वेद के साथ में, जैसे फॉर एग्जाम्पल महाभारत है, महाभारता, उसके साथ भी क्या लगेंगे, द लगाएंगे। हाँ द होली रामायण, इंग्लिश में एक्चुअली लास्ट में ए लगाते हैं, हाँ बाइबल कह दो द बाइबल, ठीक है कुरान कह दो द कुरान, द आदि ग्रंथ कह दो, ठीक है द आदि ग्रंथ, ये जब जितनी भी रिलीजियस बुक्स है ना,
उन सब में क्या है, सेम ही लिखा हुआ है। मैं आपको सीरियसली बता रहा हूँ, चाहे हिंदू है, चाहे मुस्लिम है, चाहे सिख है, चाहे क्रिश्चियन है, सभी में एक ही चीज़ लिखी हुई है। बस वो शब्दों का फेर है, मतलब इधर उधर घुमा दिए शब्द, बाकी सब में एक ही चीज़ लिखी हुई है, और ज़्यादा शब्दों का फेर अपने इसी में है। हाँ, हर स्टेट के सीन में कहाँ द लगता है, ना ना वो स्टेट नहीं लगता, राज्य में द नहीं लगता, ध्यान रखिएगा। फिर आगे देखिए, आर्टिकल 8 की बात करें अगर हम, तो आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर नेम्स ऑफ न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर के नाम के आगे द लगेगा भाई, मैगजीन के नाम के आगे द लगेगा, स्टेट्स के नाम के आगे भी द लगेगा। स्टेट्स कौन से, राज्य नहीं, कंट्री। होटल्स के नाम के आगे भी द लगेगा, ट्रेन्स के नाम के आगे भी द लगेगा। हाँ राइट, तो यहां पे क्या हो जाएगा, द हिंदू, बिल्कुल परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है यहां पे। द टाइम्स ऑफ इंडिया, हाँ राइट, ओनली इंग्लिश न्यूज़पेपर पे ही लगेगा ना, ना 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 ना, द राजस्थान पत्रिका करो, कोई दिक्कत नहीं है, वो सभी न्यूज़पेपर्स के साथ में द लगेगा, इंग्लिश न्यूज़पेपर्स नहीं है, ठीक है। हाँ, स्टेट्स मतलब द यूएसए, यूएसएसआर और यूके, ये स्टेट्स हैं, ठीक है, एग्जांपल। फिर अगर मैं यहाँ पे बात करूँ द शताब्दी एक्सप्रेस, शताब्दी एक्सप्रेस सबसे तेज जो ट्रेन चलती थी पहले, वही है ये, राइट। होटल्स की बात करें तो द विवांता बाय ताज, ठीक है। द यूरोपियन यूनियन, वेरी गुड, हाँ वेरी गुड, द यूरोपियन यूनियन हो गया। मैगजीन्स हो गई, द फ्रंट लाइन मैगजीन, बिल्कुल हो सकता है। द योजना, द कुरुक्षेत्र, द बुलेट ट्रेन, एक्चुअली बुलेट ट्रेन का नाम नहीं है इसलिए नहीं लगा सकते। पूर्णिमा ने कहा द रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फैमिलीज का जो लास्ट नेम होता है उनके साथ भी द लगाते हैं, ठीक है। द शर्माज, तो द शर्माज का मतलब यहाँ पे क्या होता है, पूरी शर्मा फैमिली की बात हो गई, दोनों क्या बताता है, ग्रुप डिनोट करता है। द कपूर्स, ठीक है, द कपूर्स आपको पता ही होगा, रणबीर कपूर और ये सब, नई मूवी भी लग गई है, हाँ राइट। फिर आगे देख लेते हैं यहाँ पे, ना ना रूल्स फिक्स होता है इंग्लिश के अंदर, रूल्स फिक्स होता है, ठीक है राइट। हाँ, द गुप्ताज, उसके बाद अगर मैं बात करूँ रूल नंबर 10 की, द लिंकिंग, वेरी गुड, द लिंकिंग फैमिली, बहुत बढ़िया शिशिर, मज़ा आ गया, बिल्कुल। हाँ, सिर्फ एक के आगे नहीं आएगा ना सर कुछ भी आर्टिकल, जैसे अरुण शर्मा, किसी के भी नाम के आगे आर्टिकल नहीं आता, लेकिन किसी के सरनेम के आगे आर्टिकल आ सकता है, राइट। अच्छा, अब देखो, जैसे आयुष्मान ने एक मैसेज किया है यहाँ पे, द पांडेज फैमिली, तो यहाँ पे द पांडेज फैमिली लिखने की जरूरत नहीं है, द पांडेज का मतलब ही क्या हो जाता है यहाँ पे, द पांडेज इज इक्वल टू फैमिली ऑफ मिस्टर पांडे, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। हाँ, और अभी हमारे इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूँ, हाँ द शर्मा नहीं आता, द शर्माज लिखना पड़ेगा, राइट आएगा, और अगर ग्रुप है तो ए और एन लगेगा, वेरी गुड। अगला जो है ये डाउट अपना क्लियर करेगा और अच्छे से। डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव रिफरिंग टू अ होल ग्रुप, अगर किसी एक पूरे ग्रुप को डिनोट करता है तो उसके साथ भी क्या लगता है, द लगता है। जैसे द वर्किंग क्लास, वर्किंग वुमेन की बात करूं तो सिर्फ एक ही थोड़ी ना है, पूरे क्या है, वर्किंग वुमेन है। द मिडिल क्लास, एक और चीज समझ लो भाई, हम जो सब गलतियां करते हैं, ठीक है, हैप्पी टीचर्स डे वाली, तो हम क्या करते हैं यहाँ पे, ठीक है, ये टीचर्स ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ये क्या हो जाता है, गलत हो जाता है, क्या हो जाता है यहाँ पे, हाँ हैप्पी टीचर्स डे, और ये एस के बाद एपोस्ट्रॉफी आएगा, क्या जाएगा, हाँ एपोस्ट्रॉफी एस के बाद आएगा। सर नीदरलैंड्स के पहले भी तो द लगता है, बिल्कुल सही है, द नीदरलैंड्स होता है, क्योंकि वो नीदरलैंड्स अपने आप में एक कंट्री नहीं है, अलग अलग कंट्रीज है, ध्यान रखिएगा। हाँ, हैप्पी टीचर्स डे, तो यहाँ पे क्या है, टीचर्स के बाद में एपोस्ट्रॉफी आएगा, एपोस्ट्रॉफी की स्पेलिंग भी याद रखिएगा। ए पी ओ एस टी आर ओ पी एच ई एपोस्ट्रॉफी,
बिल्कुल, ये स्पेलिंग है, हैप्पी टीचर्स डे। देखो जो भी डाउट अपने अंदर उत्पन्न होते हैं ना, वो सारे निकालो। सर अब मिस्टर शर्मा, ना ना किसी के भी नाम के आगे मिस्टर शर्मा एक आदमी हो गया, सिर्फ शर्मा नहीं है तो उसके आगे नहीं आएगा, गलत है ये। हाँ इंग्लिश में तो रूल है, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा, टीचर्स या फैकल्टीज जो है आर्टिकल पढ़ाना अवॉइड करती है। इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे अपवाद है ना, वो अपवाद के साथ में जो है ना ना वो सोनीज के साथ में सोनीज ही आएगा, क्योंकि वो पूरा परिवार है। यहाँ पे क्या है, स्पेसिफिक परिवार नहीं है, पूरा टीचर्स है, सारे ब्रह्मांड के टीचर्स हो गए उनका है। पेपर नाउन पर द नहीं लगता, नहीं लगता। एपोस्ट्रोफी बाद में क्यों आएगा बताता हूं। अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं हैप्पी टीचर्स डे, एपोस्ट्रोफी पहले लगा रहा हूं, तो इसमें क्या होता है, बहुत ध्यान रखिएगा, जैसे ही टीचर्स लिखा हुआ है तो इसका मतलब है कि एक टीचर का दिन है, हैप्पी टीचर्स डे एक ही टीचर का दिन है। ठीक है, हाँ जैसे अब यहां पे क्या कर देते हैं, हैप्पी टीचर्स डे, जैसे ही एपोस्ट्रोफी बाद में लगाया तो इसका मतलब है पूरा ग्रुप है, क्या है, पूरा का पूरा ग्रुप है, ये ध्यान रखिएगा। सर यू ए ई के साथ में द क्यों लगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये क्या है, यू ए ई है, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, इसके अंदर अलग अलग जो है सिटीज है, दुबई है, शारजा है, ऐसे अलग अलग 6 से 7 सिटीज़ है, तो इसीलिए वो क्या है, वो कंबाइंड ग्रुप ऑफ लैंड है, इसीलिए उसके साथ में द लगा, ध्यान रखिएगा। रूल नंबर 11 देखो, अगर द एक ही बार आता है, अगर द एक ही बार आता है तो वो सिंगुलर होगा, और अगर द दो बार आता है तो वो क्या होगा, प्लूरल होगा। कैसे देख लेते हैं, हाँ यूएई अकेला किसी कंट्रोल में नहीं है। हाँ द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल, अच्छा हमको इज या फिर आर लगाना है, ठीक है इज या फिर आर लगाना है, द प्रोफेसर एंड द प्रिंसिपल। अब मुझे ये बताइए, एक तो प्रोफेसर है ठीक है भाई, और एक क्या है प्रिंसिपल है, और आर्टिकल कितनी बार लगा है भाई, देखो दो बार लगा है ना, जैसे ही दो बार लगा तो इसको मतलब क्या है, ये प्रोफेसर अलग है ये प्रिंसिपल अलग है, तो क्या आएगा आर। हाँ ये है हमारा 100 स्टार MCQ, 100 स्टार रूल है ये। हाँ फिर द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, अब इस क्यों आएगा बताता हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि ये प्रोफेसर और प्रिंसिपल एक ही है, क्योंकि आर्टिकल द क्या है दोनों को डिनोट कर दिया है। शिवांगी आप वापस अपना डाउट पूछ लीजिए, वो ऊपर चला गया इसलिए, एक बार वापस पूछ लीजिए। तो द प्रोफेसर एंड प्रिंसिपल इज कमिंग, एकदम परफेक्ट है। चलिए अब लाए हैं हम MCQ, अभी तक जो भी छोटा मोटा डाउट हो तो पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ राइट, हाँ 1% है, वेरी गुड रुद्र, ये आपको एकदम समझ आ गया, नहीं क्लियर हुआ वापस क्लियर करते हैं, रुको अभी वापस क्लियर करते हैं। जब आर्टिकल दो बार आए द, तो ये दोनों पर्सन अलग अलग है, प्रोफेसर अलग है प्रिंसिपल अलग है, दोनों अलग अलग लोग हैं। हाँ लेकिन जब आर्टिकल द एक ही बार आए तो ये जो प्रोफेसर और प्रिंसिपल है ना, ये दोनों एक ही पर्सन है, एक ही आदमी है ये। एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हाँ राइट अभी बताते हैं, सबसे पहले शिवांगी फिर शिशिर। हैप्पी फादर्स डे को भी हम क्या लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। चिल्ड्रंस डे को कैसे लिखेंगे, अब चिल्ड्रन को चिल्ड्रंस नहीं लिखना है, चिल्ड्रन ही होता है तो चिल्ड्रन डे, ठीक है। हाँ कोई बात नहीं, वापस समझा देंगे कौस्तव, चिंता क्यों कर रहे हैं आप। मदर्स डे, तो अगर मैं मदर के आगे ऐसे लगाऊं तो ये गलत हो जाएगा, एक मदर का दिन थोड़ी ना है यहाँ पे, सभी का है ना, तो मदर्स डे ठीक है, ऐसा रहेगा। अब आ जाते शिशिर के रूल पे, देखो यहाँ पे द स्टूडेंट एंड द टीचर डैश गोइंग,
पहला क्वेश्चन हो गया यहाँ पे। सर अगर रिवर लिखा है तो उसके पहले द आएगा या फिर रिवर का नाम, दोनों के पहले द आ सकता है, लेकिन जैसे यहाँ पे लिख रहा हूँ देयर इज अ रिवर, स्पेसिफिक नहीं है रिवर, तो अ आएगा, दैट्स इट। मदर एंड फादर तो एक ही होता है सर, फिर ऐसा क्यों? अब क्या कर सकते हैं, ये तो फिक्स है ना। हाँ, फादर्स डे पूरे परिवार, मतलब पूरे फादर का दिन है, सभी जो है ना ग्रुप का डिनोट करना है ऐसे। हाँ, अगला देख लेते हैं यहाँ पे। द प्रोफेसर की जगह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ द चेयरमैन एंड सीईओ डैश डाइट, यहाँ पे इज लगेगा या आर लगेगा बताना है। पहले वाले नंबर पे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हाँ द स्टूडेंट एंड द टीचर आर गोइंग, क्योंकि यहाँ पे एंड लगा हुआ है और द कितनी बार लगा हुआ है, दो बार लगा हुआ है तो आर आएगा। लेकिन यहाँ पे देखो आर्टिकल द कितनी बार लगा हुआ है, सिर्फ और सिर्फ एक ही बार लगा हुआ है। तो ये चेयरमैन एंड सीईओ की बात करें तो यहाँ पे क्या लगेगा, यस। देखो मैं आपको क्लियरली बता देता हूँ, एक भी स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आए ना तो फिर ये मेरी जो है ना हार मानता हूँ मैं, ठीक है। हाँ, इसीलिए क्या है कि किसी को भी कोई भी डाउट हो तो चलेगा। सेकंड में हैज़, अगर ऑप्शन में हैज़ होता तो हम हैज़ लगा देते, लेकिन ऑप्शन में क्या है, इज़ या आर है, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अगले को आ जाते हैं, MCQ। अब MCQ से हमको पता चलेगा, ठीक है, MCQ से हमको ये पता चलेगा कि हम अब कितना पानी से बाहर आए हैं, राइट, या फिर अभी तक पानी के अंदर ही है। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि हमेशा ध्यान रखिएगा, पहला क्वेश्चन हमेशा मेरा सबसे ज़्यादा टफ होता है, सबसे ज़्यादा टफ। सर काफ़ी टाइम से इन रूल्स में कन्फ्यूज़न था, आज क्लियर हो गया, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। चलो लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट, इसको कोई भी रेस्टोरेंट नहीं बोलेगा, ठीक है। हाँ, इजी सब्जेक्ट लगने लगता है, बस मेरा काम ही यही है कि इसी के पैसे देती है अनअकैडमी मेरे को, समझ रहे हो बात को, कि आपको पढ़ाने की देती है, ठीक है। चलो ताकि, हाँ पढ़ाने का भी मतलब क्या है, एक क्वालिटी वाइज पढ़ाना। चलो भाई अब देखते हैं यहाँ पे, लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट, इसको कोई रेस्टोरेंट नहीं बोलेगा भाई, वी आर इन इंग्लिश नाउ, रेस्टोरेंट एंड हैव डैश कॉफी। जिसने यहां पे अ कॉफी लिखा है, जिसने भी ऑप्शन नंबर ए लिखा है, उन सभी को बहुत बहुत बधाई कि आपका जो है आंसर गलत है। मैंने आपको हमेशा से कहा है जो मेरा पहला क्वेश्चन है उसको कभी भी टच नहीं करने का, जैसे ही टच किया नहीं और गलत हो जाएगा। मैं एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है ना, जो एग्ज़ाम में प्रेशर बिल्डअप होता है, वो मैं यहीं पे लेके आ गया हूँ आपका। अब ऐसा क्यों हुआ देखो, जैसे ही मैंने कहा लेट अस गो टू अ रेस्टोरेंट एंड हैव अ कप ऑफ कॉफ़ी, तो कप जो है ना काउंटेबल है सबसे स्टार्टिंग में। अब मैं सिर्फ एक बार आपको स्टार्टिंग में ले जाना चाहता हूं, ठीक है, देखिएगा ये ए और एन किसके साथ लगता है, सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ में, यानी कि जिसको हम काउंट कर सकते हैं ना उसके साथ ही क्या लगता है, ए और एन लगता है। अब मुझे बस इतना सा बता दो कि कॉफी को आप काउंट कर सकते हो क्या, कितने सेंटीमीटर की कॉफी है, हाँ कितने हैं, एक है, दो है, तीन है, चार है, हाँ एक एक बूंद काउंट करके बताओगे क्या, नो। तो कॉफ़ी क्या है यहाँ पे, अनकाउंटेबल है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, तो कॉफ़ी के साथ में हमारा कुछ भी नहीं आएगा, नो आर्टिकल, सबसे ज़्यादा खतरनाक लेवल का क्वेश्चन, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी। बस ये वाला जो है ध्यान रखना, बेफिक्र रहिए। हाँ ये एक एक्सेप्शनल क्वेश्चन लाया था मैं, जो कि आपको समझाना बहुत ज़रूरी था। अगले क्वेश्चन पे आ जाते, अगली बार ये वाला क्वेश्चन लाऊं तो गलत नहीं करना। अब आ जाते इस क्वेश्चन पे, ठीक है, ये भी खतरनाक क्वेश्चन है, लगता तो सिंपल है लेकिन है टफ। न्यूयॉर्क इज डैश लार्ज सिटी, ये मैं हर रोज करूँगा,
मैं आपको फैक्ट बता देता हूँ, रोज़ जो पहले क्वेश्चन से मैं आपकी जितनी भी हिम्मत है वो पूरी तोड़ने की कोशिश करूँगा, और आपको सिर्फ ये क्वेश्चन करना है, कोशिश करनी है कि ये जो बैरियर है उसको बस आगे बढ़ जाओ। तो जिस जिसने भी यहाँ पे आर्टिकल द लगाया है या नो आर्टिकल लगाया है, उन दोनों का गलत हो गया, ठीक है, दोनों गलत हो गया। न्यूयॉर्क जो है एक लार्ज सिटी है, एक बड़ी सिटी है, तो न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी। अब ऐसा क्यों हुआ, सबसे बड़ी बात होती ना ऐसा क्यों हुआ, तो इसके लिए हमको अगला क्वेश्चन देखना पड़ेगा। ये आ गया अगला क्वेश्चन, न्यूयॉर्क इज डैश लार्जेस्ट सिटी ऑफ यूएसए। बिल्कुल, असफल करना, अगर आपने असफल किया तो मैं क्या डबल जीतूंगा, ये भी मैं आपको बता देता हूं। बहुत बढ़िया, ठीक है। तो न्यूयॉर्क की अगर हम बात करते हैं, तो जैसे ही हमने देखा सुपरलेटिव डिग्री, तो सीधा सीधा क्या लगा दिया यहां पे, हाँ तो क्या आ गया, द लगा दिया, न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी, राइट। अब यहां पे क्या है, पीछे वाले पे आ जाते हैं, न्यूयॉर्क इज अ लार्ज सिटी हो गया और न्यूयॉर्क इज द लार्जेस्ट सिटी हो गया, दोनों में ये डिफरेंस था। अब आ जाते हैं अगले क्वेश्चन पे, शी वॉन्ट्स टू बिकम डैश इंजीनियर। ये छोटी छोटी टॉफी मैं बीच में लाता रहता हूँ। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आरजेएस। आरजेएस में आर्टिकल्स एंड डिटरमाइनर्स है, जो कि बहुत ही ज़्यादा जरूरी रहता है। और ये वाला जो है ना आर्टिकल, ये क्या है, ऐसे राइटिंग में बहुत हेल्प करता है, ठीक है, ये सबका सही है। ये भी नहीं है, अगर सही है किसी का तो कोई बात नहीं, ठीक है, हाँ आगे बढ़ जाते हैं। ये अब देख ला, सभी का सही होगा ये, अगर मैं इस क्लास से पहले आपका ये सही नहीं हो रहा था, लेकिन अब सही होगा। आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, पानी पी लेता हूँ, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। आई सॉ डैश वन आइड पर्सन, ठीक है, एकदम चेंज, कल तक तो एन होगा, आज एकदम से ए आ गया। आई सॉ अ वन आइड पर्सन, वेरी गुड, मैंने क्या है, एक वन आइड पर्सन देखा जिसकी एक ही आंख थी, तो यहां पे क्या है, वह है, और क्या हो जाएगा ये। अच्छा, कुछ स्टूडेंट जो है ना वो बेसिक कंसेप्ट मिस कर दिया है, तो स्टार्टिंग के 5 से 10 मिनट की क्लास जरूर देखना, ठीक है। हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं, माय सिस्टर विल कम इन डैश डे और टू। जो मेरी सिस्टर है वो 1 या 2 दिनों के अंदर आ जाएगी, बिल्कुल सही बात है। चलिए भाई फटाफट से बताइए क्या होगा यहाँ पे, ए एंड द या फिर नो आर्टिकल। इसमें तो ऑप्शन भी पढ़ने की जरूरत नहीं, 4 ऑप्शन होंगे, एक तो ए एंड द और चौथा तो नो आर्टिकल। स्पेसिफिक है ना सर, द नहीं आएगा, ना ना स्पेसिफिक नहीं है। हाँ, स्पेसिफिक तो तब होता जब ये पहले भी आता और फिर वापस आता, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माय सिस्टर विल कम इन अ डे और टू, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, राइट। अगले पे आ जाते हैं, स्प्रिंग इज डैश बेस्ट सीजन ऑफ डैश ईयर। ऑरेंज के साथ एन आएगा ना सर, हाँ बिल्कुल ऑरेंज के साथ एन आएगा, आई हैव एन ऑरेंज, ठीक है, लेकिन यहां पे अगर लिखा हुआ हो देखो, नो आर्टिकल, डैश ऑरेंजेस ऑफ नागपुर, ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, हाँ सबसे पहले तो ये देख लेते हैं, स्प्रिंग इज द बेस्ट, जैसे ही सुपरलेटिव डिग्री आई द लगा दिया, अब द किस किस में है भाई, इसमें ही तो है, दोनों हो गया खत्म, सिंपल सा था। हाँ फिर आगे देखते हैं, एन आर होता है, क्या होता है, एच ओ यू आर। अच्छा ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, देखो बहुत सारे जो है लोग यहाँ पे, मैं आपको बताना चाहता हूँ, सभी लोग कहते हैं यहाँ पे कि एच ओ यू आर के साथ में तो एन आता है, बिल्कुल सही है, क्यों आता है, एक्सेप्शन है, एक्सेप्शन क्या होता है, ठीक है। अब देखो यहां पे सभी लोग कहते हैं एच साइलेंट होता है, एच साइलेंट होता है, तो इसका जो प्रोनंसिएशन क्या होना चाहिए था, आवर, और जो ज्यादा इंग्लिश सीख जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूं, आवर आवर बुलाते हैं, गलत है, ठीक है, इसका सही प्रोनंसिएशन है सिर्फ आर,
ठीक है, और आर को कैसे लिखते हैं हिंदी के अंदर, आर, आई विल बी बैक इन एन आर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, उसके साथ हमेशा एन आता है, कोई एक्सेप्शन नहीं है, फिक्स है ये। हाँ, तो द ऑरेंजेस ऑफ नागपुर होगा, क्योंकि ये जो ऑरेंजेस हैं ये नागपुर के स्पेसिफिकली हो गए हैं, क्या हो चुके हैं, स्पेसिफिकली। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये तो आपको ही करना है, मैं तो क्वेश्चन भी नहीं पढ़ूं अब। हाँ, इसका आंसर आपको करना बहुत ज़रूरी है, ये वो बैरियर है जो आपको क्रॉस करके आगे बढ़ना है। हाँ, फेमस है और पेटेंट है, पेटेंट का मतलब समझते हो आप। हाँ, रचना वेरी गुड, हाँ दी ऑरेंजेस होता है, वेरी गुड, आई लाइक इट। फटाफट से बताइए। सभी लोग बी कह रहे हैं, तो मैं कौन होता हूं गलत करने वाला, इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, बिल्कुल। अब देखिएगा यहां पे, वी हैड अ वेरी नाइस मील, अपने आप ही मुंह से अ निकलता है, ठीक है। अब ये मेरे क्यों हुई है, मैं आपको फैक्ट बता देता हूं, ठीक है, कि मैं भी जो है ना, हाँ डेली रीडिंग करता हूँ, डेली का मतलब दो तीन दिन में एक बार, ठीक है। हाँ, आगे देखो, वी हैड अ वेरी नाइस मील, डैश वेजिटेबल वर स्पेशली गुड, तो यहाँ पे हमने एक बहुत ही अच्छी मील ली, लेकिन द वेजिटेबल वर स्पेशली गुड, तो हाँ तो ये ध्यान रखिएगा, द वेजिटेबल जो है हमेशा क्या आते, स्पेशली गुड थे, तो आर्टिकल द आ गया, सभी का इम्पॉर्टेंट है। हाँ, वेरी नाइस सुपरलेटिव डिग्री बिल्कुल भी नहीं है, नो, बिल्कुल नहीं है, ठीक है। आगे, अपने आप ही बंद से द निकलता है, अपने आप देखो, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग, हाँ अभी दी लगा देते हैं यहाँ पे, द आइडिया ऑफ हेल्पिंग अ मैन वॉज अनप्लीजेंट इन इट्सेल्फ, एक सेकेंड, अच्छा, ये भी द है, क्योंकि क्या है, उस एक पर्टिकुलर मैन की बात हो रही है, तो दोनों के साथ में क्या आएगा, ऑप्शन नंबर सी आएगा, बिल्कुल सही है ना, सी ही आएगा, क्योंकि वो स्पेसिफिक मैन हो गया है, देखो उस मैन की, राइट, बिल्कुल सही, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए आगे पे आ जाते हैं हम, अब ऐसा क्यों आया वो भी मैं एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। द आइडिया ऑफ हेल्पिंग डैश मैन वॉज अनप्लीजेंट, यानी कि जिस आदमी की हमने की थी वो बहुत ही गलत हो गया, पर्टिकुलर आइडिया है, देखो यहाँ पे वॉज अनप्लीजेंट, जो मैंने, जैसे समझ लो कि मैंने एक गरीब आदमी जो है यहाँ पे, वो मुझसे क्या है कि पैसे मांग रहा था, ठीक है, तो उसने कहा कि मेरे को प्लीज़ 30 रुपये दे दो, क्या दे दो, 30 रुपये, तो मैंने उसको 30 रुपये दे दिए, उसके पास पहले से ही 10 रुपये थे, 30 और 10 मिला के वो देसी पी गया, तो वो मेरा क्या है, अनप्लीजेंट हो गया, तो वो एक आइडिया जो था हेल्प करने का वो क्या हो चुका, अनप्लीजेंट हो गया। बहुत परफेक्ट एग्जाम्पल दिया है मैंने, ये सच भी है, ठीक है। नेक्स्ट, हाँ, ऑल डैश बुक्स ऑन डैश टॉप ऑफ द शेल्फ बिलोंग टू मी, वो जितनी भी किताबें जो शेल्फ पे पड़ी है वो सारी ही किसकी है, मेरी है। चलिए भाई देखते हैं क्या हो जाएगा। राइट, अरमान को कितना पता है, क्वार्टर, बिल्कुल क्वार्टर ही, वेरी गुड, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल द बुक्स ऑन द टेबल, ऑन द टॉप ऑफ द टेबल बिलोंग्स टू मी, तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया, बिल्कुल ठीक है। अगला पे आ जाते हैं हम यहाँ पे, द गेम हैज कम टू डैश एंड, अब क्या है, गेम को एंड में आना ही चाहिए, बिल्कुल सही है, फटाफट से बताइए। तो इसका आंसर मैं आपको फटाफट से बता, टाइम क्यों लगाना, एन एंड, बिल्कुल सही है, हाँ एट एन एंड होता है, हाँ कोई बात नहीं, इंग्लिश को समझना बहुत मुश्किल होता है, ये तो सही कह रहे हैं अपन, क्या है इंग्लिश को समझने के लिए क्या इंग्लिश के वर्ड्स को याद करने की कोशिश कर लेते हैं, जैसे जितना याद करोगे उतना भागती है इंग्लिश, इंग्लिश को क्या है, हाँ एब्जॉर्व करना है, एब्जॉर्व, जो मैं आपको बोल रहा हूँ ना वो सिर्फ आपको सुनना है, ठीक है। अगला, डैश एप्पल डैश डे कीप्स डैश डॉक्टर अवे, फटाफट बताइए, हाँ ना ना, दी एंड होता है वो, तो लास्ट में ख़त्म हो चुका वो चीज़, हाँ मैं जगह पे थी, द भी बोलते हैं क्यों, वो तो बोलते ही हैं लोग, कोई बात नहीं बोलने दो उनको, ठीक है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, हाँ
एन एप्पल अ डे द डॉक्टर सॉरी एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। फिक्स कहावत है, बचपन से सुनते आ रहे हैं, कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, एन एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, डॉक्टर स्पेसिफिक हो गया। सर ऐसे के लिए कुछ बताओ, इस बार आरजेएस मेंस में 14 नंबर ही आ, क्या बात कर रहे हो? मतलब कि मेरे दिए हुए टॉपिक आपने पढ़े नहीं क्या? मैंने सिर्फ 5-6 टॉपिक दिए थे, वो सारे आ गए। हाँ, अगला क्वेश्चन, वेरी टफ, वेरी टफ। डैश पेंगुइन्स लिव इन द साउथ पोल, तो साउथ पोल के साथ में तो द आ गया, देखते हैं भाई यहाँ पे। वेरी गुड शुभम, आपने एकदम सही बात कही है, राइट right. ठीक है, तो जिस जिसने भी यहाँ पे द लगाया है गलत हो गया भाई। ठीक है, जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, कभी भी उनके आगे आर्टिकल द नहीं आएगा। आर्टिकल पेंगुइन्स लिव इन साउथ पोल, ठीक है, हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ पे? पेंगुइन्स लिव इन द साउथ पोल, डेट्स इट। द पेंगुइन्स लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो पेंगुइन्स अपने आप ही वो साउथ पोल के हो गए, कोई दिक्कत नहीं। आगे देख लेते हैं यहाँ पे, हाँ, दे स्टेड ओनली डैश डे एट द होटल, इसको कोई भी होटल नहीं बोलेगा आपसे, ओनली होटल, ठीक है, हाँ। सर पंजाब जुडिशरी के लिए भी इंग्लिश बिल्कुल हो जाएगा, बेफिक्र रहिए आप, है ना, हाँ। दे स्टेड ओनली अ डे, ऑप्शन नंबर ए, अड्डे, कोई दिक्कत ही नहीं है, हाँ हाँ। रिकॉर्डेड वाली में मज़ा नहीं है, ये तो सही कह रहे हैं आप। एनिमल्स का इंसान का नाम, हाँ बिल्कुल, एनिमल्स और इंसान के नाम के आगे आर्टिकल द नहीं लगता, कोई भी आर्टिकल नहीं लगता। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, सून अवर टीम स्कोर्ड डैश गोल एंड वन मैच, ठीक है, हाँ, जल्द ही जो है हमारी टीम ने यहाँ पे एक गोल किया और उस गेम को जीत लिया। जी, जितने भी जुडिशरी एग्जाम्स होते हैं, प्री हो या मेंस हो, उन सभी के लिए ये आर्टिकल्स का कंपलसरी है, क्योंकि एक बार हमको, मैं आपको बताता हूँ एक बात, अगर हमको सेंटेंस फ्रेम करना अगर आ जाता है, सेंटेंस को फ्रेम करना अगर आ जाता है, हाँ जी, मैं इंग्लिश भी पढ़ाता हूँ, वैसे तो मैं इंग्लिश की ही फैकल्टी हूँ, हाँ पूरे भारत को ही पढ़ाता हूँ। जो ये सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं ना, सेंटेंस, तो ये जो सेंटेंस है इसका अगर फ्रेम करना आ गया तो अपन पूरी किताब लिख सकते हैं, फैक्ट है ये। इसके लिए हमको सेंटेंस बनाने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, एक वोकैब और एक ग्रामर, लेकिन वो जो तीसरी जो ज़रूरत पड़ेगी, हाँ वो तीसरी एक्चुअली क्या है, हमारे कॉन्फिडेंस की ज़रूरत पड़ेगी, वो बहुत मुश्किल से आता है। ठीक है, मैं आपको बताना चाहूँगा, मैंने एक नॉवल पढ़नी स्टार्ट करी थी, चेतन भगत, नाम सुना होगा आपने, तो वो मैंने क्या है कि व्हाट यंग इंडिया वांट्स से स्टार्ट करी मैंने, बहुत ही बोरिंग किताब थी, मतलब आप मान के चलो कि ऐसी क्यों बनाई, मेरे को वो किताब ख़त्म करने में 1 से 1.5 महीना लग गया, किताब ख़त्म नहीं हो रही थी। उसके बाद फिर मैंने क्या किया, जब दूसरी किताब पढ़ी ना, हाँ तो इंटरेस्टिंग किताब थी, फिर दूसरी किताब पढ़ी, चेतन भगत की दूसरी टू स्टेट्स पढ़ी, बहुत अच्छी किताबें थी, टोटल 31.5 नॉवल्स मैंने पढ़ ली है। तो इसीलिए क्या है, 31.5 नॉवल्स जो है ना, हाफ ज़रूरी है, राइट, हाँ अपने फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए कितनी हमने बुक्स पढ़ी है। सून अवर टीम स्कोर्ड अ गोल एंड वन द मैच, एक गोल किया और फिर द, चलो। टू क्लाइंब, अब जब भी कोई बोले क्लाइंब तो वो गलत है, क्लाइम होता है, बी साइलेंट होता है। सर मेरी पीएचडी चल रही है तो थीसिस राइटिंग में मैं ये रूल्स ध्यान रखती हूँ, अब बिल्कुल बिल्कुल मज़ा आ जाएगा, हाँ सर। चेतन भगत की रिवॉल्यूशन 2020 बिल्कुल पढ़ लेंगे। ग्रामर, सर ग्रामर की हेल्प कर दो, आरजेएस के लिए सब्सक्रिप्शन नहीं है जी, हो जाएगा, इसमें हो जाएगा। टू क्लाइम अ ट्री इज नॉट टू क्लाइम अ माउंटेन, कोई तरह का पर्टिकुलर नहीं है, ना ना नॉवल पढ़ो ना आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। रेस्टोरेंट नहीं बोलेंगे, रेस्ट्रॉन, ठीक है, मैं आपको बताता हूं,
हिंदी में तो क्या है, इसको रेस्टोरेंट बोलते भी नहीं है, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, हाँ इसमें हिंदी में हम इसको भोजनालय बोलते हैं, क्या बोलते हैं, भोजनालय। हाँ इसको इंग्लिश में कहते हैं रेस्टोरेंट, ठीक है, रेस्टोरेंट। इंग्लिश में अगर यूएस में जाएंगे अगर हम, तो उसमें पढ़ते हैं रेस्तरां, लेकिन रेस्तरां मत बोलना, आस पड़ोस वाले जो है ना, हाँ वो आपको अजीब सी नज़रों से देखेंगे, इसलिए रेस्तरां तो बिल्कुल भी मत बोलना, ठीक है, और रेस्ट्रो भी मत बोलना। रेस्ट्रो का मतलब सिर्फ खाने की जगह नहीं होती है, खाने और पीने दोनों की जगह, और पीने में क्या आता है आप सबको अच्छे से पता है। चलो तो टू क्लाइम अ ट्री इज नॉट टू क्लाइम अ माउंटेन, बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हम, फ्रांस कवर्स डैश एरिया ऑफ 5,51,000 स्क्वायर किलोमीटर्स, अपने को इससे क्या मतलब है, एरिया देखा, एरिया के साथ में एन आएगा, बात खत्म। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, क्वेश्चन खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रहा है कि एरिया को काउंट कर सकते हैं, है ना, एरिया को क्या कर सकते हैं, काउंट कर सकते हैं। 5,51,000 हो गया, बात खत्म हुई, ठीक है भाई अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। हाँ इट इज अ क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, अब ये इन माई वॉच नहीं होता है, बाय माई वॉच होता है, वॉच के द्वारा जो टाइम दिखाया जा रहा है। तो ध्यान रखना जब भी ये क्वार्टर हो, 1/3 हो, 1/4 हो, तो आर्टिकल का यूज कभी नहीं करते, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए, इट इज क्वार्टर टू 10, ठीक है ध्यान रखिएगा, ए में एरर है, इट इज क्वार्टर टू 10 बाय माई वॉच, डेट्स इट, ठीक है। हाँ ऑप्शन नंबर ए में ही दिक्कत है, राइट अगले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम। अच्छा ये वन वर्ड्स है, कुछ वन वर्ड्स ध्यान रखिएगा, द स्टडी ऑफ ह्यूमंस जो है ना, ह्यूमंस का मतलब होता है एंथ्रोपो, एंथ्रोपो, हाँ, और स्टडी ऑफ ह्यूमंस का मतलब हो जाता है यहाँ पे, और स्टडी ऑफ का मतलब होता है लॉजी, तो एंथ्रोपोलॉजी, एंथ्रोपो मतलब ह्यूमंस, लॉजी का मतलब ये, ठीक है। स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स, ना ना ह्यूमनोलॉजी नहीं होता है, ये सिर्फ मैं बना सकता हूँ वर्ड, वेरी गुड। हाँ स्टडी ऑफ कॉइन्स एंड मेडल्स की अगर हम बात करें तो वो होता है न्यूमिस्मेटिक्स, आरजेएस का फेवरेट वर्ड है, मैं आपको बताना चाहूंगा, बिल्कुल। 12:45 की क्लास आज है, बैंकिंग सिस्टम, इंडिया का जो बैंकिंग सिस्टम है ना वो आज पढ़ाने वाला हूँ। कल मैंने बताया था महंगाई क्या होता है, सस्ताई क्या होता है, आज मैं क्या पढ़ाऊंगा, हाँ वही, द रेजिंग ऑफ सिल्क फॉर्म, उसको क्या कहते हैं, सेरीकल्चर। सेरीकल्चर का मतलब होता है कि जो सिल्क वॉर्म से सिल्क निकालना, राइट इस तरह से एकदम परफेक्ट है। हाँ ये वर्ड ऑफ द डे भी लाया हूँ मैं, वर्ड ऑफ द डे का मतलब तो एक होता है लेकिन दो दो लेके आया हूँ। नोविस का मतलब होता है नया नया, यानी कि नौ सीखिया, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कोई नया फैकल्टी आया है तो वो एकदम से नोविस है, ऐसे ही टायरो कह दो, बिगिनर कह दो, डेब्यूडेंट कह दो, इसका डेब्यू हुआ है, वो भी एक ही बात है। एंटोनिम की बात करें तो वेटरन कह दो, मेंटर कह दो, एक्सपीरियंस्ड कह दो, ये नोविस, इंटरमीडिएट एंड एडवांस, तो एडवांस का मतलब वेटरन, वेटरन का मतलब होता है एक ऐसा पर्सन जो बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस्ड हो। नेक्स्ट नेव, विटी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, ठीक है, जब भी यहाँ पे वर्ड देखेंगे ना विटी, विटी का मतलब होता है कन्फ्यूज्ड, ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं तो आप तो वो वर्ड्स लेके आओ, ठीक है मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, कल बताऊंगा भाई, हाँ लेके आओ आप। विटी का मतलब क्या होता है, कन्फ्यूज्ड, एट विट वंस विट्स एंड, यानी कि टू बी इन अ स्टेट ऑफ कन्फ्यूजन। नेव की बात करें तो इसका मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट, स्काउंड्रल या फिर वैगाबॉन्ड, यानी कि एक बहुत ही ज्यादा राइट, विट्टी का मतलब क्या हो सकता है, तेज भी हो सकता है, दोनों ही होते हैं। हाँ विट्टी का मतलब क्या होता है, दोनों ही होते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ एक वर्ड के दो से तीन मीनिंग भी हो सकते हैं। फ्यूगेटिव का मतलब होता है भगोड़ा, फ्यूगेटिव वर्ड जो है ना, फ्यूगेटिव का मतलब होता है जो देश निकाला हो जाता है या भाग जाता है, वही। एंटोनिम की बात करें तो पैरागन, इनोसेंट या फिर आइडियलिस्ट, एकदम सही सही पर्सन, राइट। चलिए भाई फटाफट से जो है डाउट ले लेते हैं, हाँ जिसको भी कोई डाउट है तो फटाफट से बता दीजिए। विथी अलग है, विथी तो अलग ही होता है, बिल्कुल राइट। हाँ
हाँ एप्स काउंटर जो होता है, बिल्कुल वो एक तरह से, हाँ नीरव मोदी इज अ फ्यूगेटिव पर्सन, हाँ एप्स काउंटर का मतलब डिसऑनेस्ट हो सकता है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड निखिल। हाँ अच्छा, सब्सक्रिप्शन जो लेना चाहता है वो प्लस या आइकॉनिक दोनों में से किसी का भी ले सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। नरेशन में मे चेंज होता है ना माइट में, जब ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है ना गॉड वाला, तो मे माइट में चेंज नहीं होता, ये मॉडल वर्ब में पढ़ाया था। हाँ मौज हो गई तो बहुत बढ़िया है। हाँ फिर क्या है, सब्सक्रिप्शन लिंकिंग कोड का यूज़ ध्यान रखना है, ठीक है, लिंकिंग कोड से आप आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं और 20% का ऑफ अभी ले सकते हैं, 20% कोई मजाक तो है नहीं, ठीक है। और यहाँ पे जो भी अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेता है तो सभी बैचेस का उसको एक्सेस मिलता है, सारे ही बैचेस का, राइट। और 12:45 की क्लास होती है हमारी, राइट। RJS की वैकेंसी होगी तो स्पेशल यूट्यूब दोनों में चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ सर मुझे आपकी इंग्लिश की क्लास स्टार्ट से देख, कहाँ से देखूँ? अनअकैडमी ऐप पर है। हाँ अब क्या कर सकते हैं, स्टेट वाला स्लाइड सर एक बार बता दीजिए, ठीक है अभी बता देते हैं। हाँ ये रहा, हाँ इसका मतलब ये नहीं कि हर स्टेट के साथ में आर्टिकल द लगाना, नहीं मैंने सिर्फ स्टेट के मीनिंग बताए कि ये पांच हो सकते हैं, ठीक है। चलो फिर बाकी सब अब एग्जिट कर सकते हैं, आज के लिए इतना ही, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे एंड गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू।